न्याज और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी एज को कोरियन को में कैसे बोल सकते हैं तो इफ़ यू वॉन्ट टू से कि आई एम इतना इतना ईयर्स ओल्ड हाउ विल आई से इट सो आई हैव दिस सेंटेंस आई एम ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड इसको मैं कैसे लिखूंगी इसका बहुत ईजी वे होता है आई को मैं लिखूंगी छौन एज आएगी यहाँ पे ऐज का एक मेजर होता है उसे कहते हैं साल इसे हमेशा एज के बाद लगाया जाता है और लास्ट में इमनिदा इसी तरह से मैं इसको इनफॉर्मल भी बना सकती हूँ आई कैन से नानन यहाँ पर एज आएगी सारी ए किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है अब यहाँ पे जो एज है वो एज साइनो कोरियन में आएगी या नेटिव कोरियन में आएगी इसका आंसर है कि एज हमेशा नेटिव कोरियन में ही लिखी जाती है एज वी नो कि हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं एक होता है नेटिव एक होता है साइनो एज हमेशा नेटिव कोरियन में लिखी जाएगी और नेटिव कोरियन नंबर्स क्या होते हैं हाना दुल सेत नेत तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हैं नेटिव कोरियन तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं एज को फॉर एग्जाम्पल मैं पहला आपको देती हूँ वी हैव नाइनटीन नाइनटीन को हम क्या लिखते हैं योल ठीक है आई होप यप सार इम तो जब हम अगर एज को कहते हैं कि आई एम नाइनटीन ईयर्स ओल्ड तो यहाँ पे आएगा छॉन इन योल आ होप निदा। अगर मुझे कहना है आई एम ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड तो मैं कहूँगी समू योसत सारिम निदा यहाँ इफ़ यू कैन नोटिस ट्वेंटी जो होता है वो होता तो स्मुल है लेकिन हम यहाँ पे स्मुल नहीं लिखते यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा जब भी हम आगे कोई नंबर लिख रहे हैं जब भी हम ऐसे एज की बात करते हैं जिसमें वन टू थ्री फोर आता है तो उन एजेस में हमेशा ये जो हना है वो हन बन जाता है दुल बिकम्स दू, से बिकम्स से और नेट बिकम्स ने। इनका जो नीचे का जो लेटर है वो ड्रॉप हो जाता है और इसमें भी ये न है वो नीचे आ जाता है ऐसा होगा किसी भी एज में जिसमें ये चारों नंबर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ थर्टीन छनन थर्टीन ईयर्स ओल्ड तो थर्टीन को मैं बोलूंगी से छोनन योल से सा रिमनिदा ठीक है अगर मैं कहती हूँ आई एम फोर्टीन ईयर्स ओल्ड तो मैं कहूँगी नेसा नेदा सिमिलरली अगर मुझे कहना है आई एम इलेवन हंसा हंसारिमनिदा तो इफ यू कैन नोटिस यहाँ पे भी मैंने इस जो स था नीचे उसे ड्रॉप कर दिया है फोर में से यहाँ पे वन में हना के बदले मैंने हन लिखा है सो वी हैव टू नोटिस कि ये चार नंबर्स जब भी आते हैं एज में तो ये नीचे का जो लेटर है वो ड्रॉप हो जाता है सो so, गाइज हम ट्वेल्व को क्या लिखेंगे इफ आई वॉन्ट टू से आई एम ट्वेल्व ईयरस ओल्ड आई विल से योर दूसरा रिमनिदा जस्ट रिमेंबर कि ये दो और साल के बीच में गैप नहीं आएगा यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक से इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है वरना यहाँ पर गैप नहीं है नानिन ट्वेंटी टू सारी ट्वेंटी टू क्या होगा स्मू नानिन स्मू दूसार सिर्फ टू है तो आई विल राइट नानिन दूसारो तो हम ऐसे एज को लिखते हैं